दोनों ने मिलकर एक साजिश के तहत इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया। आज हमने आज पूरे समूह आज हमने पूरे सारे प्रतिष्ठानों को जैनियों के बंद रखे हैं। झारखंड स्थित जैन तीर्थ स्थल को केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज द्वारा संपूर्ण भारत में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आक्रोश जताया गया। इसी क्रम में अजमेर जैन समाज द्वारा कबाड़ी बाजार और अन्य स्थान पर स्थित अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर झारखंड स्थित तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की गई। झारखंड स्थित श्री समवेत शिखर जी, जहाँ से जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वो एक जैन धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर एक साजिश के तहत इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। एक ओर तो सरकार मंदिर बनाने की ओर जा रही है कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, दूसरी ओर जैन क्षेत्र उस पर पर्यटन घोषित कर रहा है, वहाँ मांस मदिरा और उसकी खुली छूट देने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमने पूरे सारे प्रतिष्ठानों को जैनियों के बंद रखे हैं और इससे पूर्व भी हमने धरना प्रदर्शन किया है, आक्रोश रैली निकाली है, कलेक्टर्स को विभिन्न क्षेत्रों में हमने ज्ञापन दिए हैं। ये समूचे भारत सकल जैन समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन 21 तारीख को किया जा रहा है। उस संदर्भ में आज हमने एक पूरे हमारे मुनि महाराज दिगंबर और श्वेतंबर टोटल सकल जैन समाज की तरफ से एक आह्वान किया गया था 21 दिसंबर को समूचे जैन समाज व्यापारिक संगठन ऑफिस स्कूल बच्चों के सबों को मतलब बिल्कुल हड़ताल करके और इसका विरोध प्रदर्शन करना है। विरोध का कारण यह है कि हमारे झारखंड के अंदर जो समवेत शिखर जी कहलाया जाता है पार्श्वनाथ हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसको तीर्थ स्थल नहीं बना करके पर्यटन स्थल बनाया गया है। अभी जनवरी के अंदर उन्होंने एक वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई मेला भरा गया था, वहाँ पे लाखों की तादाद में वहाँ पर जहाँ हम बिना सिले हुए कपड़े और नंगे पैर भूखे प्यासे 27 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं सर्दी गर्मी बरसात, उस क्षेत्र पर गवर्नमेंट सरकार राजस्थान हो या झारखंड सरकार हो या अपनी केंद्र सरकार हो बीजेपी की या कोई भी सरकार हो, इसने ऐसा मेला भरा कि वहाँ पे अश्लीलता दारू का उपयोग और मतलब अपने मांस मदिरा का उपयोग किया गया। ये पता नहीं क्या चाहती है सरकार, जैनों पे ऐसा प्रहार कर रही है कि जैनियों के लिए ये मतलब सबसे बड़ा आज जो टैक्स पेयर है वो जैन है हिंदुस्तान का और उसी के ऊपर ये प्रहार कर रही है। इसका इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये सरकार जाने। हम तो सरकार से ये कहते हैं या तो ये अपना निर्णय वापस ले, नहीं तो जैन जो है वो अहिंसावादी है मगर कायल नहीं है। इस बात को मोदी सरकार हो या झारखंड सरकार हो वो इस बात को बहुत गहरता से सोचे और इसके अपने आदेश जो पर्यटन स्थल बनाने का उसको जल्द से जल्द वापस ले। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी बताएंगे आप और विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग रोजाना 2 विधानसभा दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।